आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 4 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। एक के बाद एक तीन लहर झेल चुके मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में तीसरी लहर लगभग खत्म हो चुकी है। पूरे प्रदेश में महज 153 नए प्रकरण ही आए हैं, जबकि कई जिले कोरोना फ्री हो गए हैं। पूरे प्रदेश में 135 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 15 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना से राहत मिल रही है। पिछले कुछ समय पहले ओमिक्रॉन ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दी थी, इसके बाद तेजी से संक्रमण का सिलसिला बढ़ता गया। तीसरी लहर कभी भी भयानक रूप से सकती थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि जितनी तेजी से संक्रमण आने लगे उतनी ही तेजी से संक्रमण की दर गिरने भी लगी। महुआ के फूल से बनने वाले शराब के लिए सरकार हेरिटेज मदिरा नीति लाएगी। इसमें शराब बनाने का लाइसेंस आदिवासी व्यक्ति या समूह को दिया जाएगा। माइक्रो डिस्टिलरी भी आदिवासी विकास खंड में ही लगानी होगी। यहाँ बनने वाली शराब की बिक्री या तो निर्माता स्वयं कर सकेगा या फिर इसके लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। यह प्रावधान हेरिटेज मदिरा नीति 2022 में प्रस्तावित किए गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने शुक्रवार को नीति का प्रस्तुतीकरण गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल समूह की बैठक में किया। इसमें हेरिटेज मदिरा का पेटेंट करने पर सहमति भी बनी। अब नीति को अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। परंपरागत रूप से महुआ के फूल से बनाई जाने वाली शराब की काफी मांग रहती है। इसे ब्रांड के रूप में विकसित करके मार्केटिंग भी की जाएगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने हेरिटेज नीति का प्रारूप तैयार किया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि माइक्रो डिस्टिलरी का लाइसेंस आदिवासियों को ही दिया जाएगा। विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने बैठक में बताया कि नीति में जनजातियों के तदिरा निर्माण के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। संग्रहण और भंडारण की पुख्ता व्यवस्था बनाई जाएगी। निर्माता स्वयं शराब का बेच सकेंगे। इको टूरिज्म के बार सहित अन्य काउंटर से भी विक्रय की व्यवस्था बनाई जाएगी। वन मंत्री विजय शाह ने सुझाव दिया कि नीति में विभाग की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रदेश के 46वें पुलिस महानिदेशक के रूप में शुक्रवार को 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर कुमार सक्सेना ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मीडिया से मुलाकात में साफ कर दिया है कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ शुरू किया गया अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने निवृत्तमान डीजीपी विवेक जौहरी के कार्यकाल को सफल बताया और उनका आभार भी व्यक्त किया। सुधीर सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने माफिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है, उसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नक्सलवाद पर नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग सहित सभी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में पुलिस के सभी अधिकारी और कर्मचारी संपूर्ण प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की जो भी प्राथमिकताएं हैं और नागरिकों की पुलिस से जो भी अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। हम पुलिस की कार्यप्रणाली में तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए स्वच्छ, पारदर्शी और जनोन्मुखी पुलिस प्रशासन देने के समन्वित प्रयास करेंगे। यह एक संयोग ही कहा जाएगा कि 28 साल पहले रतलाम में उन्होंने विवेक जौहरी से एसपी रतलाम का पदभार लिया था और अब वे डीजीपी का पदभार भी विवेक जौहरी से ही ले रहे हैं। भोजपुर महोत्सव के तीसरे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास नई दिल्ली, शिखा दीप्ति नोएडा, शंभू शिखर नोएडा, मदन मोहन समर गोपाल और संदीप शर्मा धार ने कविताओं की प्रस्तुति दी।
प्रस्तुति के दौरान अन्य कवि अपनी कविताएं सुना रहे थे तो उपस्थित श्रोता बार बार कुमार विश्वास को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। इसी बीच कुमार विश्वास उठे और माइक थामा। माइक थमते ही तालियां बजना शुरू हुई पर माइक ठीक नहीं होने और सही आवाज नहीं आने पर नाराजगी जताते हुए बोले, माइक सरकारी है, उसकी आवाज उतनी ही निकलेगी जितनी सरकार चाहेगी। शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव में शुक्रवार को इछावर विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा पहुंचे। उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लिया और कहा, दुनिया की कोई भी ताकत रुद्राक्ष वितरण से नहीं रोक सकती है। साथ ही व्यास पीठ से माफी मांगते हुए कहा कि यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए, यहाँ शिव का राज है और शिव भक्तों पर अन्याय नहीं होगा। शिव महापुराण के पांचवें दिवस शुक्रवार को फुलेरा दूज का पर्व मनाया गया। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, शिव भक्त अपने भोले को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने को हर जतन करते हैं। इसमें पूजा और जलाभिषेक सर्वाय प्रिय है। पूजा में भगवान शिव को चढ़ने वाली वस्तुओं में धतूरा की बड़ी महिमा बताई गई है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को एक धतूरा चढ़ाने का महत्व तरह तरह के लाभ होते हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इस वर्ष मार्च और जून माह में पूरी होने वाली परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी जल प्रदाय परियोजना तभी पूर्ण मानी जाएगी जब नगर में 24 घंटे 7 दिन जल प्रदाय प्रारंभ हो जाएगा। कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही 32 परियोजनाएं मार्च में तथा 31 परियोजनाएं जून में पूरी करने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं में जल प्रदाय, सीवरेज और मिनी स्मार्ट सिटी के कार्य शामिल हैं। प्रबंध संचालक ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर घर में मीटर युक्त नल कनेक्शन हो। समस्त जल प्रदाय परियोजना जल प्रदाय करने में तकनीकी रूप से सक्षम हो। ब्रह्मांड में घूमने वाले विभिन्न नक्षत्र का मानव जीवन और पौधों के साथ के कनेक्शन के बारे में अब देखा और अनुभव किया जा सकेगा। कौन सा पौधा प्रभावकारी होता है जैसे गूढ़ रहस्यों को जाना जा सकेगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तैयार किए जाने वाले प्रदेश के सबसे आकर्षक नक्षत्र पार्क में यह सब देखने को मिलेगा। मप्र काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे तैयार करने जा रहा है। इस पार्क का प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से अटका था। 2 साल से कोरोना के चलते गतिविधियां बंद थीं। परिस्थितियां सामान्य होते ही मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रयास शुरू किया। प्रदेश स्तर पर विज्ञान महोत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी रादुविवि को मिली तो काउंसिल की भी सहभागिता बढ़ी। शासन डायरेक्टरेट की भी सहमति मिली और आधारशिला रख दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राज्य सरकार से पूछा कि नमामि देवी नर्मदे योजना के तहत पौधरोपण में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस डीके पालीवाल की खंडपीठ ने उद्यानिकी विभाग के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, प्रमुख सचिव फूड प्रोसेसिंग विभाग कलेक्टर सीहोर एवं उद्यानिकी विभाग के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जबलपुर निवासी सुनील सिंह की ओर से याचिका दायर कर कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने 650 करोड़ रुपए से नर्मदा किनारे फलदार पौधे लगाने की योजना बनाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विभाग के ही एक कर्मचारी की शिकायत पर योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। भोपाल में पार्किंग स्थलों की सहूलियत के लिए नगर निगम ने अनेक स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, जहां व्यापारी अपने ग्राहकों को भेजने की व्यवस्था बनाएंगे। व्यापारियों से कहा गया है कि 1 महीने के अंदर ग्राहकों के वाहन सड़क की बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े करने की व्यवस्था बनाई जाए। 1 महीने की समय सीमा बीतने के बाद ट्रैफिक पुलिस का वाहन होटल, शोरूम एवं रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर खड़े दोपहिया चार पहिया वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा।
डीसीपी ट्रैफिक हंसराज सिंह के मुताबिक लोगों के सहयोग के साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। यदि लोग अपने वाहन सड़क पर खड़े कर चले जाएंगे तो सड़क से गुजरने वाले बाकी नागरिकों के वाहनों का ट्रैफिक जाम में फंसना तय है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में भौतिक सर्वेक्षण कर इस बात की सूची तैयार की है कि किन व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों के बाहर वाहन सड़क पर खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। एक महीने की समय सीमा समाप्त होते ही ऐसे व्यवसायियों को नोटिस जारी कर व्यवस्था बनाने एवं वाहन जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 4 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 5 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।